अंकल जी नमस्कार। अंकल जी हस्बैंड वाइफ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी में। और खाने के सामने कोई धर्म नहीं होता, कोई जात पात नहीं होती। थैंक्स वसीम वंस अगेन टू इनवाइटिंग अस मुक्कड़ों को। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्ट्रीट फूड सेंटर। और टाइम हो रहा है 9 और हम हैं अभी कहाँ पे, गोविंदपुरी। कालका जी हैं और आज दीपक के फ्रेंड की शादी है, तो शादी तो हो गई कल, आज हम आए हैं रिसेप्शन में। और पीछे हैं हमारे गौरव भैया और सारे फ्रेंड्स हमारे अभी वेन्यू पे पहुंच गए हैं। हम लोग भी बस अपनी कार पार्क करके ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही अमेजिंग। और रियल में आज का व्लॉग बनने वाला है हमारा द रियल फूड सेंटर। ये हमारे मुस्लिम फ्रेंड का रिसेप्शन है, तो ऑब्वियसली बहुत मजा आने वाला है खाने में भी। आज दीपक के काम की जगह पे आए हैं हम फाइनली। ये देखो दीपक, इसमें मसाला वसाला और नींबू मिलेगा। नींबू भाई वो रहा पीछे, वो रहा दीपक को, कितना मजा आ रहा है दीपक को। तुम खाना क्यों लेकर आ गए गौरव? फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं। ये बहुत हैवी हो रहे थे तो मैंने सोचा कि जब स्टेज पे जाऊंगी तब ही ने पहले बहुत हैवी है। और देखो मेरा स्टाइल, मैंने एक हटा दिया ये वाली से। चचाजान हमारे, ये हमारे भाई, भाईजान। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने दोस्त से मिलने। तो हम अभी इन लोग से मिल लेते हैं, गिफ्ट्स दे देते हैं और उसके बाद कुछ खाएंगे डेफिनेटली। तो फाइनली पिक्चर्स हो गई है तो एयरिंग उतार दिया जाए, तो चलते हैं खाने को। भाई अब कौन कौन से डिशेस यू वांट टू ट्राई? जितने कुछ कबाब वगैरह खाते हैं स्टार्टिंग में, हमने चिकन फ्राई हमने ट्राई खाया था जो कि बहुत अमेजिंग था और काफी मतलब एकदम सोबर वाला था। स्पाइसी ऑयली ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अमेजिंग था विद ग्रीन चटनी। और अब हम लोग खाने वाले हैं कबाब। मेरे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं मटर पनीर बनी है वैसे, क्या मैं तो बेसिकली कबाब पे अभी फोकस करूंगा, उसके बाद थोड़ा खाना डाइजेस्ट होने के बाद फिर हम मेन कोर्स पे जाएंगे। हम खाएंगे, मैं ये सोचूंगा बाहर जाके ट्राई करता हूँ कुछ। नहीं हम खाएंगे फिर बाहर का चार चक्कर लगाएंगे, वसीम हम गिफ्ट के पैसे पूरे वसूल करेंगे। करना है देखो, कबाब सिक रहे एकदम गरम गरम, लाओ भाई गौरव। तो हम पहुंच गए हैं टेंट के पीछे कबाब की खोज में और ये सिक रहे हैं हमारे कबाब। रेडी हैं? बढ़िया भैया, अच्छे से सेक के दे। ओहो यहाँ चिकन फ्राई हो रहा है, असली कंटेंट यहाँ पे है हमारा। नहीं चिकन फ्राई तो मैंने बहुत खाया, टेस्टी है लेकिन काफी गरम गरम है। सच में खमीरी है ना ये, इसमें लगा दो। फोन झन लगा दिया है। चिकन फ्राई बहुत टेस्टी, बहुत उम्दा है, अमेजिंग। द स्ट्रीट फूड सेंटर सब्सक्राइब करना। अच्छा है कहीं हमारी शोहरत हो रही है तो अच्छी बात है। आप लोगों ने, आप कहाँ से आए हैं? पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली वाला कवर किया हमने, वो अलग है। हम जो पुरानी दिल्ली अजमेरी गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ में होने के साथ में, तो आपकी वहाँ पे दुकान है? जी शॉप है हमारी, हाजी अब्दुल गनी के नाम से हमारी शॉप है।
गया हमारे कबाब से गए। भैया मेरे हाथ में प्लेट दे दोगे? ये ना ये ले, ये साखी नहीं, मैं इसमें लूंगी ना। तो हमारे कबाब सिक गए हैं मस्त, एकदम गर्मा गर्म हो रहे हैं। तो बटर भी डाल दिया ऊपर से। आ जाओ, आओ दीपक, से झूठा नहीं करूंगी बिकॉज हम ये सारा तो खत्म कर नहीं सकते। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही टेस्टी से, ये लग गए हमारे रास्ते। ये हमारी खमीरी सिक रही है। और जो एकदम ये भी फिश फ्राई एकदम निकला हुआ बिल्कुल कढ़ाई से। चार हमने कबाब ले लिए एकदम फ्रेशली। हाँ। अरे अंकल जी है तो ये वसीम के रेडी हैं। अच्छा अंकल जी, नमस्कार अंकल जी। एकदम गरम गरम क्रिस्पी से कबाब आ गए हैं। हेलो, बहुत ही अमेजिंग। थोड़ा बहुत टेस्टी। और वाह, मेरे दो लेग पीस आ गए हैं। धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत। फिश नहीं यार, फिश नहीं। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो भाई यहाँ तो मजा आ गया, हमें ये मिल गया है और हम फटाफट अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इनका स्वाद, मैंने पूरा एक कबाब खा लिया है अभी। बहुत ही टेस्टी है। थैंक्स वसीम वंस अगेन टू इनवाइटिंग अस, भुक्कड़ों को बुलाने के लिए। और हम ये वलीमा हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अभी मुझे लगता है वसीम का एक और छोटा भाई बाकी है, तो उसके भी वलीमे में हम चाहेंगे हम लोग। वसीम हमें बुलाए, हम चाहते हैं। और ये वसीम के वलीमे का जो ब्लॉग है ये हमारा बहुत वायरल हो। भाई आप लोगों से मिलके हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा। बहुत दोनों हस्बैंड वाइफ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी में और बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपने हमारा खाना पसंद किया तो हमें बहुत खुशी की बात है। नंबर ले लिया, हमें खुशी की बात है कि आप हमारा खाना पसंद कर रहे हैं। नहीं, हम अंदर से तभी डायरेक्ट हमने कहा कि सीधा वहीं चलते हैं जहां बन रहा है, हम देखें कौन है शेफ, बहुत टेस्टी था सब। खाना बहुत बढ़िया है, हम लोग इतना खाते हैं लेकिन जो खाना मिलता है दिल्ली में लिमिटेड जगहों का ही पसंद आता है। ये बात सही है ना, आप रेस्टोरेंट में अलग मिलता है, रेस्टोरेंट में बहुत स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है जहाँ मतलब जहाँ का हमें पसंद आता है, नहीं तो हमें पसंद नहीं आता। इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा मटन चिकन सब कुछ बहुत टेस्टी बनाते हैं। मौका मिला तो हम आपको जरूर दावत पे बुलाएंगे भाई, ये तो और ज्यादा खुशी की बात होगी। अब नेक्स्ट टाइम तुम विजिट करोगे ना तो घर से प्रिपेयर हम बना के कीमा कलेजी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, तो हमें खुशी होती है कि इस चीज से कि जैसे कि अभी आपने कहा हस्बैंड वाइफ और ये बनाना भी जानते तो ये बनना भी जानती है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात वो डॉक्टर होके इस चीज को प्रमोट करती है, वो बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बात हकीकत है जी। ठीक है साहब, शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा शुक्रिया, अच्छा खाना, बहुत टेस्टी। ठीक है साहब, हम जरूर चाहते हैं अगली बार फिर से मुलाकात। भाई जी 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 बिल्कुल, नंबर ले लिया आप तो ये परेशान करने आएंगे, हमारी कुछ नसीबी होगी कि तुम्हारा ईद में दावत खाने। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल है इस चीज की धन्यवाद, पहले से ही दावत है कि आने वाली ईद पे आप हमारे यहाँ। बिल्कुल हम चाहते हैं। ठीक है जी भाई साहब, चले खान साहब। ओके, तो भी सारी कन्वर्सेशन हुई है, जो भी खाना हमने ट्राई किया है, अंकल हमारे पास आए, हमसे इतनी देर बातें करी, जो भी ये कन्वर्सेशन थी उससे मुझे एक चीज साफ समझ आ गई है। मतलब जो मुझे मैं पहले भी सोचा करती थी कि खाना एक ऐसी चीज है ना, ये सिंबल है यूनिटी का, खाने के सामने कोई धर्म नहीं होता, कोई जात पात नहीं होती, जब खाना टेस्टी होता है ना तो फिर मुंह से बस हाँ दिल अपने आप मिल जाते हैं, और दिल भी अपने आप मिल जाते हैं, और दिल से निकलता है कि मजा आ गया। फिर कोई ये नहीं पूछता किसने बनाया, बस बोलते हैं मजा आ गया जो आज हमें फील हुआ, बहुत टेस्टी। और हम यही बोलना चाहते हैं कि इस ब्लॉग के माध्यम के थ्रू की प्यार बना बनाया रहे, हम लोग प्यार बांटते रहें, साथ में रहें, और ऐसा ही अच्छा अच्छा खाना हम एक्सप्लोर करते रहें और खाते रहें। इधर इधर पीछे पीछे इधर आ गए साइड में। हैप्पी मैरिड लाइफ, थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग डिनर, आई विश तुम्हारी मोहतरमा तुम्हें इसी तरह टेस्टी टेस्टी खाना बनाए।
ईद में हमें नहीं